ओम शांति ओम शांति प्यारे बाप दादा की याद के साथ साथ अपनी जान की दादी सदा याद आती है दोनों बाप दादा के बीच में अपनी दादी विराजमान ऐसे हमें फीलिंग आती रहती है इतनी प्यारे बाबा के नज़दीक जो हम सर्व ब्राह्मणों के भी नज़दीक विश्व के सेवा में भी नज़दीक जिनका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है यूँ तो हमें सदा अपनी दादी की समृद्धि आती है तो भी विश्व की सेवा के निमित्त स्मृति दिवस पर उन्हें बहुत बहुत हमारी दिल से शांति तो क्या प्रेम प्यार तो क्या हर प्रकार से उन पर समर्पित होने का खही है, है जो बड़ों की आज्ञा का पालन करते हम आगे बढ़ते रहे हमारी दादी काठमांडू में भी आई पहली बार जब ही काठमांडू में अपनी दादी आई तब ईशु दादी लच्छू बहन जानकी दादी और बड़ी दीदी ये दी। चारों ही हमारे पास ओम प्रकाश भाई पटना में आए तो पटना से हम इनको यहाँ भी आश्रम खोल दिया गया हुआ था तब पटना से हम लेकर उनको काठमांडू में आई इतनी अच्छी तरह से प्रेम से प्यार से सबने सबकी सेवा की और तब बाबा का घर तीन सीढ़ी चढ़ के था तो मकान नीचे वाला ढूंढ रहते थे तो दादी भी बोली चलो हम भी देख करके आते आती है तो हम और जान की दादी भी गली गली में घूमते पूछते नए नए थे हम लोग तब तो, तो पूछते करते मकान देखते गए जब दो तीन देखे नहीं पसंद आए तो फिर मैंने कहा नहीं दादी चलो अभी वापस चले बहुत तो आपने ढूंढ लिया है बोला नहीं नहीं एक गली और भी घूम लेते हैं इतना निर्माणता से प्यारी दादी के साथ हमने भी सेवा की सो बहुत बहुत अपनी दादी का गहराई से सबके प्रति स्नेह भावना शुद्ध भावना हमने नज़दीक से देखा अचानक हमारा एक्सीडेंट हुआ काठमंडू एक बार इसलिए उसमें भी जब भी हम काठमंडू से दिल्ली जा रहे हैं डॉक्टर लोग लेकर तब दादी हमको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आई हम तो उस समय होश होश नहीं था तो भी दादी हॉस्पिटल में भी बीच बीच में आई देखने के लिए इतना नजदीक की आत्मा जो हर पल उनकी याद आती है तो पहले दादी पूना में रहती थी तो प्यारे साकार बाबा ने हमें एक बार बॉम्बे भेजा प्रदर्शनी को देखने समझाने के लिए सेवा में भेजा तो फिर वहाँ बड़ी दीदी भी थी बॉम्बे में ही तब प्रदर्शनी में गई हुई थी तब कहा अभी आप राज वहाँ पूना में भी जाओ जान की दादी से भी मिल के आओ फिर हम लोग चार पाँच दिन पूना में भी दादी के पास रही दादी ने हर रोज़ क्लास में हमारा अनुभव रख देना आओ, राज, आओ क्लास में अनुभव इतना नजदीक से प्रेम प्यार हमने पाया इसलिए ऐसी विशेष आत्माओं ने हेरते हेरते क्या से क्या क्या से क्या आज विश्व पर उनकी प्रतिमूर्ति सबके दिल में समाई हुई है सो ऐसे प्यारी दादी की यादें हम सब के दिल में समाई हैं प्यारे बाप दादा के साथ सो ये भी हमारा भाग्य है शायद मधुबन से दादी जी को तब थोड़ा तबीयत दिखाने के लिए वहाँ ले गए थे अहमदाबाद तो हमारा भी अचानक मधुबन से अहमदाबाद जाना हुआ तभी दादी सेंटर पर थी हमारा कमरा भी साथ ही था तो भी दादी से दृष्टि लेना करना दादी ने प्रेम से प्यार से सिर हिलाना, दादी ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, अब तो ठीक ही है हंसना चेहरा तो मूर्ति देवों जैसी उनकी थी थी तो ये भी हमारा हम समझते थे कि भाग्य है जो हम इतना नज़दीक लास्ट दिनों में भी दादी के साथ ही रहे इसलिए उसके बाद हम लोग वहाँ ही थे कुछ टाइम के बाद फिर मधुबन में दादी का मन था मुझे मधुबन में ही ले चलो फिर उसके बाद दादी को मधुबन में लाए तो कुछ दिनों के बाद प्यारी संपूर्ण दादी का दर्शन होते देखते करते मधुबन में प्यारी दादी संपन्न संपूर्ण होकर बाप दादा के पास वतन में उड़ गए इसलिए अभी उनका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है हमने यहाँ पर ही उनका स्मृति दिवस सबकी ओर से प्रेम से प्यार से मनाया मनाते रहेंगे सो बहुत बहुत दादियों की छत्र छाया में पलते हमें बहुत बहुत खुशी भी होती है उन्हों को देख जैसा कर्म बाबा कहते हम करेंगे हमें देख और करेंगे सो प्यारी दादी का बोलना उठना बैठना करना जभी जाओ अगर मधुबान जितनी बार जाओ दादी ने प्यार से सौगातें देनी टोली देनी बहुत प्यार से कमरे में बुलाना करना so, ऐसी दादी की स्मृति सारे विश्व में शांति का सहयोग दे रही है देती रहेगी ओम शांति